कान्हा कृष्णा की किचन में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो हेल्दी के साथ साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, आप सभी को बहुत पसंद आएगी, तो आप हमारा वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे पालक और गोभी के पराठे। पालक और गोभी के पराठे बनाने के लिए हमने आधा किलो पालक लिया था, जिसको हमने अच्छे से साफ करके 2-3 बार पानी से धो लिया है। साथ में हमने एक छोटा गोभी का फूल लिया था, जिसको भी हमने अच्छे से साफ करके 2-3 बार धो लिया है। सबसे पहले हम पालक को मिक्सी के जार के अंदर डाल के पीस लेते हैं। पालक को हमने मिक्सी के जार के अंदर डाल लिया है। अब पालक को हम पीस के बारीक सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पालक को पीसते वक्त हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिना पानी के ही हम पीस के तैयार करेंगे। पालक का हमने बारीक सा पीस के पेस्ट तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले हम लगा लेते हैं आटा। एक परात में हमने 1 बड़ा कटोरी आटा ले लिया है। आटा आप अपने घर के सदस्यों के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आटे के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और साथ में डालेंगे 2 छोटे चम्मच देसी घी। घी डालने से हमारे पराठे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। आटे के अंदर हम अच्छे से घी को मिला देते हैं। घी को हमने आटे के अंदर अच्छे से मिला दिया है। अब इसी आटे के अंदर हम डाल देते हैं पालक का पेस्ट। पालक के पेस्ट से ही हम आटा लगा के तैयार करेंगे, पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। पालक का पेस्ट हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, नहीं तो आटा हमारा ज़्यादा पतला हो जाएगा। आटा हमें न ज़्यादा टाइट रखना है और न ही ज़्यादा हमें पतला करना है, बस सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार करना है। आटा हमने लगा के तैयार कर दिया है। आटे को हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं साइड में, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम गोभी का मसाला बना लेते हैं। गोभी का मसाला बनाने के लिए हम गोभी को ग्रेटर की सहायता से कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम सारी गोभी को कद्दूकस करके तैयार कर लेते हैं। गोभी को हमने कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ में हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार डाल देते हैं नमक, 1 छोटा चम्मच डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर और 3 हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी हम डाल देते हैं हींग और 1 छोटा चम्मच हम डाल देते हैं अमचूर पाउडर। आप यहाँ पे लहसुन और प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं। मसाले के अंदर अब हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और मसाले को हम अच्छे से मिला लेते हैं। मसाले को हमने अच्छे से मिला के तैयार कर दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छी रहती है, साथ में परांठों का स्वाद दुगना कर देगी। मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब हम बना लेते हैं पराठे। आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए, हमें इतना ही सॉफ्ट आटा चाहिए। सबसे पहले हम आटे की एक लोई बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम लोई बना के तैयार कर लेते हैं। लोई को हमने बना के अच्छे से तैयार कर लिया है, साथ में हमने लोई के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है। अब लोई को हम बेलन की सहायता से बेल लेते हैं। लोई को हमें इतना बड़ा ही बेल के तैयार करना है। अब इसके अंदर हम भर देते हैं मसाला गोभी का। इस तरीके से हम मसाले को भर के लोई को चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर देते हैं। लोई को हमने अच्छे से चारों तरफ से बंद कर दिया है। लोई के ऊपर हम फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और हाथ की सहायता से हम चारों तरफ लोई को फैला देंगे। इस तरीके से हम फैला के परांठे को अच्छे से हल्के हाथों से बेल के तैयार कर लेते हैं। बीच बीच में आप हल्का सा सूखा आटा लगा लें, जिससे हमारा परांठा एकदम अच्छे से बन के तैयार होगा। ये देखिए, परांठा हमने बेल के तैयार कर लिया है। अब इसको हम सेक लेते हैं।
पराठा बनाने के लिए हमने तवा पहले से ही रख दिया है और तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं पराठा और मीडियम गैस के ऊपर हम पराठे को सेक के तैयार करेंगे। पराठा हमारा एक साइड से सिक चुका है, पराठे को हम पलट देते हैं और साथ में ही पराठे के ऊपर हम लगा देते हैं घी। आप घी या तेल जिसमें भी अगर आप पराठे बनाना चाहें आप बना सकते हैं। एक साइड में हमने घी लगा दिया है, दूसरी साइड में भी हम पलट के घी लगा देते हैं। दोनों तरफ हमने अच्छे से घी लगा दिया है। चम्मच की सहायता से हम पराठे को दबाते हुए अच्छे से सेक लेते हैं। पर ये पराठा हमारा एकदम अच्छे से सिक के तैयार है। पराठे को हम निकाल लेते हैं अलग प्लेट में और ऐसे ही हम सारे पराठे बना के तैयार कर लेते हैं। और ये हमारे पालक और गोभी के पराठे बन के बिल्कुल तैयार हैं। खाने में बेहद स्वादिष्ट होते हैं और सॉफ्ट भी बहुत बने हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। आप इनको दही के साथ, अचार के साथ, अगर बच्चों को दे रहे हैं तो सॉस के साथ दीजिए, बच्चे आपके बड़े ही खुश होकर खाएंगे। इस टाइम पालक और गोभी खूब आ रहे हैं, तो आप भी हमारी पालक और गोभी के पराठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। और साथ में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। राधे राधे।